सो हेलो 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 गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गैस वापस से मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। तो गैस देखो, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करने वाला हूँ ग्रोजा के टॉप 10 बेस्ट गन स्किन के बारे में। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और गैस आज के इस टॉप 10 की लिस्ट में हमारा यहाँ पे ग्रोजा का ईओ गन स्किन भी एड है, जो की यार अभी रिसेंट में हमारे गेम के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। चलो गैस जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग पता है कि यार हम लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेलेंगे। और गैस अगर तुम लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो भाई तुम लोग को पता होगा कि मैं कौन से गेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हो, मतलब कि यार चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो, तो देखो आज के इस वीडियो के अंदर मतलब मैं यहाँ पे एक गेम खेलने वाला हूँ जिसके अंदर आप लोग को झूठ बोलना होता है बेसिकली। तो गैस यहाँ पे आप लोग के लिए मेरा कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाओ और भर भर के झूठ बोलो। जितना बड़ा बड़ा झूठ बोलना उतना बड़ा बड़ा झूठ बोलो। मैं आप लोग के झूठ वाले कमेंट को पिकअप करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लूंगा और गैस अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको दिखाऊंगा। आप लोग के नाम के साथ आप लोग का कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो गैस आप लोग जल्दी से जाओ कॉमेंट करो। तो गैस चलो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे टॉप 10 के लिस्ट से। तो गैस यहाँ पर सबसे पहले हमारे टॉप 10 पे आता है ग्रोजा का ये ग्रेट पैलेंडर गन स्किन, जिसके अंदर आपको डबल एक्यूरेसी देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल डैमेज देखने के लिए मिल जाता है और कैसे यहाँ पर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिल जाता है। तो गैस देखो ये तो खुद मतलब कि यार मौत मुंह में आ गई और कैसे यहाँ पे आके नॉक हो गई। तो इसको हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। तो गैस देखो यहाँ पे ये वाला गन स्किन आप लोग को सिंगल डैमेज निकाल के दे देगा, मतलब कि यार मान लो अगर सामने वाले बंदे ने वेस्ट नहीं पहना हुआ है तो गैस ये वाला गन स्किन बंदे के बॉडी के ऊपर आप लोग को 39 करके बॉडी डैमेज निकाल के देता है, जो कि यार काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे डैमेज है। प्लस यहाँ पर बात करता हूँ इस गन स्किन के प्लस पॉइंट का, तो इसके अंदर आप लोग को डबल एक्यूरेसी देखने के लिए मिल जाता है और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मतलब कि यार एक्यूरेसी कितना ज़्यादा परफेक्ट है यहाँ पे बंदे को, मतलब कि यार रेड रेड। तो गैस ये वाला गन स्किन एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर गन स्किन है। बंदा अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में भी है तो गैस इसका एम उसके ऊपर बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। तो गैस ये वाला गन स्किन डैमेज और एक्यूरेसी के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा बेटर गन स्किन हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के अंदर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस होने का, तो भाई देखो ये वाला गन स्किन एक लॉन्ग रेंज का गन स्किन है और गैस लॉन्ग रेंज वाले गन स्किन के अंदर अगर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस भी होता है तो गैस आप लोगों को गेम के अंदर घंटा भी कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गैस ये वाला गन स्किन काफ़ी ज़्यादा सही गन स्किन है, आप लोग मुझे बताना कि आप लोग पास है या नहीं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ग्रोजा का ये गोल्डन ग्रिल गन स्किन, जिसके अंदर आप लोग को यहाँ पे डबल रेंज देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा और कैसे यहाँ पे मैगजीन को सिंगल माइनस कर दिया गया। तो कैसे देखो जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि कैसे यहाँ पे सिंगल डैमेज वाले गन स्किन से आप लोग सामने वाले बंदे के बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा डैमेज दे सकते हो। तो कैसे अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के डैमेज का, तो कैसे ये वाला गन स्किन सामने वाले बंदे के बॉडी के ऊपर 39 करके बॉडी डैमेज निकाल के देगा। प्लस यहाँ पे आप लोग को इस गन स्किन के अंदर डबल रेंज भी देखने के लिए मिल जाता है। तो कैसे अगर रेंज की बात करता हूँ तो कैसे देखो ग्रोजा वैसे ही एक लॉन्ग रेंज का वेपन है और ग्रोजा के अंदर पहले से ही रेंज काफी ज्यादा अच्छा खासा आता है, तो इसके अंदर आप लोग को नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा बेटर रेंज देखने के लिए मिल जाएगा। तो गैस ये वाला गन स्किन भी काफी ज्यादा सही गन स्किन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ग्रोजा का ये रेड वाला गन स्किन। गैस ये वाला गन स्किन एक बहुत ही ज़्यादा पुराना गन स्किन है ग्रोजा का, जिसके अंदर आप लोग को यहाँ पे डबल रेंज सिंगल रेट ऑफ फायर और कैसे यहाँ पे मैगजीन सिंगल माइनस में देखने के लिए मिल जाता है। तो गैस देखो अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के परफॉर्मेंस का, तो भाई ये वाला गन स्किन मतलब कि यार ठीक ठाक गन स्किन है, एवरेज गन स्किन है, बहुत ज़्यादा अच्छा गन स्किन मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि गैस यहाँ पे आप लोग को इसके अंदर सिंगल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि यार रेट ऑफ फायर होने के कारण आप लोग यहाँ पे इस गन स्किन से अच्छे खासे हेडशॉट भी निकाल सकते हो। प्लस यहाँ पे आप लोग को डबल रेंज देखने के लिए मिल जाता है। तो गैस अगर आप लोग को एक अच्छा खासा रेंज वाला गन स्किन चाहिए था और प्लस यहाँ पर रेट ऑफ फायर भी चाहिए था, तो गैस ये वाला गन स्किन काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हमारे अगले गन स्किन का। तो गैस यहाँ पे हमारा अगला गन स्किन आता है ग्रोजा का ये ओपरानो सिंह गन स्किन, जिसके अंदर यहाँ पे आप लोग को डबल आर्मर पेनेट्रेशन दिया जाता है, यहाँ पे ऊपर से आप लोग को सिंगल एक्यूरेसी भी दिया जाता है और कैसे यहाँ पे मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिल जाएगा। तो गैस देखो सबसे पहले अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के अंदर मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस होने का, तो इसके अंदर मूवमेंट स्पीड आप लोग को तभी सिंगल माइनस में देखने के लिए मिलेगा जब आप लोग इस गन स्किन को लेकर हाथ में दौड़ोगे, वरना इसके अंदर आप लोग को एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए, देख सकते हो सामने वाले बंदे के ऊपर मैंने यहाँ पे कितने तगड़े यहाँ पे रेड नंबर दिए और गाइस देखो वहाँ पे बंदा है, मैंने यहाँ पे इजीली उसके ऊपर अपना स्कोप जूम कर लिया, मतलब यार मेरा एम उसके ऊपर इजीली कनेक्ट हो गया एक्यूरेसी के कारण। तो गाइस ये वाला गन स्किन एक्यूरेसी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकाल सकता है, प्लस यहाँ पे आर्मर पेंशन भी है। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ इस गन स्किन का आर्मर पेंशन का, तो डबल आर्मर पेंशन होने के कारण आप लोग इस गन स्किन से लेवल 3 की वेस्ट के ऊपर 23 करके डैमेज दे सकते हो और गाइस यहाँ पे लेवल 4 वेस्ट के ऊपर 22 करके डैमेज दे सकते हो, जो कि यार एक नॉर्मल ग्रोजा के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा डैमेज है यहाँ पे वेस्ट के ऊपर। तो ओवरऑल ये वाला भी गन स्किन काफी ज्यादा सही गन स्किन है अगर आप लोग इस गन स्किन से वेस्ट के ऊपर फायर करते हो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले गन स्किन का। तो गैस अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट गन स्किन का। तो गैस देख सकते हो यहाँ पे टॉप 6 पे आता है हमारा ग्रोजा का ये FFCS गन स्किन। गैस ये वाला गन स्किन एक थीम गन स्किन है, लेकिन
काफी ज्यादा अच्छा गन स्किन है। इसके अंदर आप लोग को डबल डैमेज देखने के लिए मिलता है, मैगजीन सिंगल माइनस में देखने के लिए मिलता है। तो गाइस देख सकते हो ये वाला गन स्किन सामने वाले बंदे के बॉडी के ऊपर 41 करके डैमेज निकाल के देगा, और गाइस यहाँ पे हेड के ऊपर भाई सीधे 225 का हेड शॉट। तो गाइस ये वाला गन स्किन काफी ज्यादा सही गन स्किन है एक नॉर्मल ग्रोजा के मुकाबले। अगर आप लोग ये वाला गन स्किन को यूज करते हो, सामने वाले बंदे ने अगर वेस्ट नहीं पहना हुआ है, तो गाइस ये वाला गन स्किन सामने वाले बंदे को बहुत कम बुलेट में ही बहुत इजीली नॉक कर देगा। और गाइस यहाँ पे ग्रोजा के अंदर पहले से ही रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा अच्छे खासे आते हैं, तो गाइस आप लोग इससे अच्छे खासे हेडशॉट भी मार सकते हो, बॉडी के ऊपर काफी अच्छा यहाँ पे डैमेज भी दे सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे इसके अंदर आप लोग सिंगल मैगजीन माइनस देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस देखो ये एक लॉन्ग रेंज का वेपन है, और गाइस यहाँ पे लॉन्ग रेंज के वेपन के अंदर अगर मैगजीन सिंगल माइनस है या रिलोड स्पीड सिंगल माइनस है या रेंज सिंगल माइनस है, तो उस चीज से आप लोग गेम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ फर्क देखने के लिए नहीं पड़ता है। तो गाइस ये वाला गन स्किन मेरे हिसाब से डैमेज के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट गन स्किन है। ये वाला गन स्किन आप लोग पास है या नहीं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं हमारे अगले गन स्किन का। तो गाइस यहाँ पे हमारे टॉप 5 आता है ग्रोजा का, ये टॉप 5 का 5th एनिवर्सरी वाला गन स्किन, जिसके अंदर बात करता हूँ एट्रीब्यूट्स का। तो गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं इसके। इसके अंदर आप लोग को डबल आर्मर पैंटर्न देखने के लिए मिल जाएगा, सिंगल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिल जाएगा, मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस कर दिया गया है। तो गाइस देखो यहाँ पे सिंगल रेट ऑफ फायर होने के कारण ये वाला गन स्किन अच्छे खासे हेडशॉट निकाल कर दे देता है वहाँ पे एक बंदा। मैं यहाँ पे इसके ऊपर जूम करूंगा और देख सकते हो यहाँ पे इसको 198 का एक हेड लगा, सामने वाला बंदा नॉक हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो गाइस देखो यहाँ पे सामने से आ रहा है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर आकर सिंपली ड्रैग करता हूँ और देख सकते हो दो हेड लगे उसका, सामने वाला बंदा इजीली नॉक हो गया। तो गाइस ये वाला गन स्किन सिंगल रेट ऑफ फायर होने के कारण आप लोग को बहुत अच्छे खासे हेडशॉट भी निकाल के देगा। और गाइस यहाँ पे आर्मर पेंशन होने की वजह से लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर देख सकते हो 23 करके डैमेज दे रहा है, वेस्ट के ऊपर 123 करके डैमेज दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट की बात करता हूँ तो देख सकते हो 22 करके यहाँ पे डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस ये वाला गन स्किन काफी ज्यादा सही गन स्किन मेरे को लगा। इसके अंदर आप लोग को बेसिकली एक तरह से डैमेज भी देखने के लिए मिल जाता है, एक तरह से यहाँ पे रेट ऑफ फायर भी देखने के लिए मिल जाता है, और देख सकते हो उतने दूर के बंदे को मतलब क्या रेड नंबर से वाला गन स्किन भर दे रहा है। तो गाइस ये वाला गन स्किन काफी ज्यादा अच्छा गन स्किन है, आप लोग पास ये वाला गन स्किन है या नहीं है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। तो गाइस अब फाइनली यहाँ पे हमारा अगला गन स्किन आता है ग्रोजा का, ये विंटर लैंड गन स्किन। और गाइस सच सच मतलब कि यार दिल पर हाथ लगे बताना कि भाई ये वाला गन स्किन कितने बंदों का फेवरेट गन स्किन है। मुझे पता है कि यार काफी सारे बंदे इस गन स्किन को पसंद करते हैं। इसके अंदर आप लोग यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिल जाता है, एक्यूरेसी यहाँ पे सिंगल माइनस में देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिख जाता है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर फायर करता हूँ, यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट बुलेट लगता है और गाइस लास्ट में एक हेडशॉट भी लगता है। यहाँ पे एक और बंदा है देखना, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग किया और देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पे हेडशॉट इस गन स्किन से। तो गाइस यहां पे ये विंटर लैंड गन स्किन भाई मतलब कि यार काफी ज्यादा अच्छा गन स्किन है, आप लोग इस गन स्किन को ऑलराउंडर भी बोल सकते हो। ये वाला गन स्किन आप लोग को मैक्सिमम हेडशॉट निकाल के देता है, इस गन स्किन से बहुत तगड़े हेडशॉट लगते हैं। यहां पर तुम लोग खुद देख सकते हो एक ना एक हेडशॉट ये वाला गन स्किन आप लोग को निकाल के देगा ही देगा। तो गाइस ये वाला गन स्किन काफी ज्यादा अच्छा गन स्किन है। और गाइस यहां पे एक और बंदा, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर हिट करने का ट्राई करता हूं लेकिन नहीं लगता। तो गाइस अब देखो यहां पे मैंने इसके ऊपर फायर करके इसको खत्म कर दिया। तो गाइस ये वाला गन स्किन हेडशॉट मारने के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट गन स्किन है, आप लोग के पास ये वाला गन स्किन है या नहीं है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओ। और गाइस इसी के साथ अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो तो गाइस इसका मतलब आप लोग को वीडियो जरूर से इंटरेस्टिंग लग ही रहा होगा, तो गाइस इसलिए आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हो। तो गाइस प्लीज अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे, नॉलेजफुल लगे, तो गाइस प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप लोग मेरे पहली बार आ रहे हो तो गाइस देखो मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूं और मुझे भी आप लोग के सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरत रहता है। तो हो सके तो यार मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर नए आ रहे हो। तो गाइस चलो आप वीडियो में आगे बढ़कर बात करते हैं हमारे अगले गन स्किन का। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है ग्रोजा का एक हाइपर बुक वाला गन स्किन। देख सकते हो यहाँ पे हाइपर बुक के अंदर आप लोग को एक गन स्किन देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हो ये रहा हमारा ग्रोजा का हाइपर बुक वाला गन स्किन। जिसका अगर बात करता हूँ एट्रीब्यूट्स का, तो इसके अंदर आप लोग को डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, सिंगल एक्यूरेसी देखने के लिए मिलेगा, और मूवमेंट स्पीड को यहाँ पे सिंगल माइनस कर दिया गया। तो गाइस वैसे तो मेरे पास ये वाला गन स्किन नहीं है, लेकिन गाइस जैसा कि मैंने पहले बताया विंटरलैंड वाला गन स्किन के जैसा ही है ये वाला गन स्किन, बस यहाँ पे इसके अंदर एक्यूरेसी आप लोग को थोड़ा बहुत बेटर देखने के लिए मिल जाता है, और विंटरलैंड के अंदर एक्यूरेसी सिंगल माइनस है। उसके अलावा इसके अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर और हेडशॉट बिल्कुल सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ अगले गन स्किन का। तो गाइस यहाँ पर हमारा अगला गन स्किन आता है इनक्यूबेटर का सबसे टॉप का गन स्किन, यानी गाइस ग्रोजा का ये व्हाइट वाला गन स्किन, जिसके अंदर आप लोग को लाइटनिंग इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर आप लोग को डबल डैमेज देखने के लिए मिलेगा, सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, और गाइस यहाँ पर मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस देखो ये पहला ऐसा गन स्किन है ग्रोजा का जिसके अंदर आप लोग को बहुत तगड़े वाले डैमेज देखने के लिए मिलते हैं। डबल डैमेज होने के कारण ये वाला गन स्किन सीधे सामने वाले बंदे के ऊपर 40 से 41 करके डैमेज निकाल कर देगा,
की 1 या 2 करके डैमेज निकाल के देगा। और गैस यहाँ पे सिंगल आर्मर पेंशन भी देखने के लिए मिल जाता है, यानी गैस वेस्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा डैमेज देने वाला है। तो गैस अगर आप लोग पास ये वाला गन स्किन है तो इस गन स्किन से आप लोग बंदे को मतलब कि यार बॉडी के ऊपर भी काफ़ी तगड़े डैमेज दे पाओगे। और गैस मान लो सामने लोग बंदे ने वेस्ट पहना हुआ है तो आप लोग वेस्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े डैमेज दे पाओगे। वैसे तो गैस ये वाला गन स्किन काफ़ी कम ही बंदों के पास है, लेकिन गैस आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप लोग पास ये वाला गन स्किन है या नहीं है। तो गैस अब फाइनली तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे टॉप 1 का आता है ग्रोजा का ये ईओ गन स्किन। तो भाई अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई ये वाला गन स्किन तो अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आया है, लेकिन गैस देखो ये वाला गन स्किन कभी भी आ सकता है। मतलब कि सोच लो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आज आ गया या कल आ गया या परसों आ गया, या आप लोग ये वाला वीडियो जिस दिन देख रहे हो उस दिन ये वाला गन स्किन गेम के अंदर आ गया हो। मतलब कि यार ये वाला गन स्किन कभी भी टप करके हमारे गेम के अंदर गिर सकता है। बात करता हूँ अगर इस गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिल जाएंगे, सिंगल डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो गैस ये वाला गन स्किन कभी भी हमारे गेम के अंदर आ सकता है। तो गैस अगर आप लोग ये वाला गन स्किन लेना चाहते हो तो अभी भाई डायमंड बचाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि गैस ये वाला गन स्किन ग्रोजा का अब तक का सबसे ज्यादा बेस्ट गन स्किन होने वाला है, क्योंकि गैस इसके अंदर आप लोग को डबल रेट ऑफ फायर के साथ साथ यहाँ पे सिंगल डैमेज भी देखने के लिए मिलेगा। तो गैस चलो अब यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं इस गन स्किन के डैमेज रिव्यू का। तो भाई देख सकते हो ये रहा हमारा गन स्किन हमारे हाथ में है। और गैस देखो पहली बार अगर आप लोग मेरे चैनल पे ही ग्रोजा के इस गन स्किन का रिव्यू देख रहे हो तो भाई जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गैस यहाँ पे गन स्किन आने से पहले ही मैं आप लोग को इस गन स्किन का रिव्यू दे रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे कंपेयर भी करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई ये वाला गन स्किन कितना ज़्यादा बेस्ट होगा। तो गैस ये वाला गन स्किन हेडशॉट आप लोग को 214 का निकाल के देगा, यहाँ पे बॉडी डैमेज आप लोग को 42 का निकाल के देगा, और गैस 39 का निकाल के देगा। तो गैस ये थे हमारे ग्रोजा के टॉप 10 बेस्ट गन स्किन जिसमें मैंने यहाँ पे ईओ गन स्किन को भी ऐड करके रखा है। तो गैस अब आप लोग बताओ कि गैस यहाँ पे टॉप 10 में से कौन कौन सा गन स्किन आप लोग पास हैं, या आप लोग पास टोटल ग्रोजा के कितने गन स्किन है। मेरे पास कितने गन स्किन है, 4 गन स्किन है ग्रोजा के। आप लोग बता सकते हो कि गैस आप लोग पास ग्रोजा के टोटल कितने गन स्किन है, और गैस यहाँ पे इस ईओ गन स्किन को कितने बंदे लेने वाले हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। सो गैस चलो वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो गैस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो। और एक और बात, जाने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स के अंदर जाके एक झूठ बोलो, और गैस उस झूठ का स्क्रीनशॉट लेके मैं आप लोग को अपने अगले वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और उसके ऊपर रिएक्ट भी करूंगा। तो गैस जल्दी से जाओ और जाके बड़ा बड़ा झूठ बोलो। तो चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बाय।